line. Do you feel secure sitting in the studio? I feel entirely secure. There was no advice. The England Cricket Board have said this tour has to be stopped on security grounds. I can speak authoritatively on that. If there had been, my travel advice would have changed, and it has not. Clearly the New Zealand decision must have made some of those players be concerned. इंग्लिश क्रिकेट टीम को पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात नहीं थे, मैंने ऐसी कोई एडवाइजरी जारी नहीं की। पाकिस्तान में बरतानवी सफीर क्रिस्टन टर्नर का अहम इंकशाफ, इरादा न्यूज के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू करते हुए कहा, सिक्योरिटी का मसला होता तो मेरी ट्रेवल एडवाइजरी भी तब्दील हो जाती। न्यूजीलैंड के फैसले की वजह से हमारे कई खिलाड़ी तश्वीश का शिकार हुए। बरतानवी सफीर ने अपनी सैर व सियाहत का हवाला दिया कि मैं हर जगह घूमता फिरता हूँ, कराची और गवादर भी जाता हूँ, मुझे कोई डर नहीं होता, आप मुझे पहाड़ों पर भी मुस्कुराता देखते हैं। इंग्लिश बोर्ड पाकिस्तान टीम भेजना चाहता है। इंग्लिश क्रिकेट टीम पाकिस्तानी मैदानों में फिर खेलेगी। मेजबान काशिफ अब्बासी ने बरतानवी हाई कमिश्नर से पूछा, क्या आप खुद को एआरवाई के स्टूडियो में महफूज समझ रहे हैं या गार्ड बुलाऊं? क्रिस्टन टर्नर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहां महफूज हूं। Advice was it was okay to travel. British High Commission was satisfied with the plan. So what? Why did England renege on a promise to Pakistan? Well, it's not just a blow to Pakistan cricket, it's a blow to world cricket. Pakistan is one of the most brilliant and wonderful teams in the world. इंग्लिश टीम को सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं था, बरतानवी हाई कमिश्नर मुतमईन थे, तो इंग्लैंड ने पाकिस्तान से किए वादे से क्यों इनकार किया? सिक्योरिटी इंतजामात वही थे जो शहजादा विलियम और केट मिडलटन के लिए थे। इंग्लिश मुसन्निफ और सहाफी पीटर ओब्रायन ने अपनी टीम को आड़े हाथों ले लिया। पाकिस्तान न जाने के फैसले को बुजदिलाना करार देते हुए कहा, इंग्लैंड भारत को और अपने खिलाड़ियों के दबाव में आकर फैसले करता है। बोर्ड खिलाड़ियों से डरता है क्योंकि ये सब भारत से मुतासिर हैं, खासतौर पर इंडियन प्रीमियर लीग से। पाकिस्तान ने कोरोना वबा में आकर बरतानिया पर एहसान किया था। आलमी क्रिकेट पाकिस्तान के बगैर मुकम्मल नहीं। न्यूजीलैंड के जाने के बाद पर जो वादे हो गया था कि इंग्लैंड की टीम नहीं आएगी, हमें वैसे ही ख्वाहिशों का समंदर में नहीं जिंदगी गुजारनी चाहिए, ख्वाबों की दुनिया में नहीं रहना चाहिए। और क्रिकेट के इशू को दुनिया के मीडिया ने ऐसा बड़ा इशू बना दिया जैसे शायद यही दुनिया का एक बड़ा मसला है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की अचानक वापसी, पाकिस्तान ने मामला सिफारती सतह पर उठा दिया। जराये के मुताबिक पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड की हुकूमत को एहतजाजी मरासला भिजवा दिया। एहतजाजी मरासला वजारत खारजा की जानब से भिजवाया गया। पाकिस्तानी सफीर का भी न्यूजीलैंड की वजारत खारजा से रबता। पाकिस्तानी सफीर ने न्यूजीलैंड की वजारत खारजा से मामले की वजाहत मांग ली। सेट अलर्ट की नौयत जारी, तफसीलात मांगी गई। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, न्यूजीलैंड की वापसी के बाद वाजे हो गया था इंग्लैंड की टीम नहीं आएगी। क्रिकेट मैच का न होना आखिरी मसला नहीं, एक दिन आएगा जब सारी टीमें पाकिस्तान आएंगी। पीटीवी का तकरीबन 20-25 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। अपने लॉयर से भी बातचीत शुरू की है, किस तरह से अदालत में लेके जा सकते हैं। ये तो बड़ी छोटी कीमत है सर, ऊंचा रखना है फिर उसकी कीमत होती है। एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे तो फिर उसकी कीमत है, वो आपको अदा करनी पड़ती है। एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट कहने की कीमत चुकाना पड़ती है। न्यूजीलैंड इंग्लैंड टीम्स के न आने पर वजीर दाखिला से मिलकर ब्रीफ करेंगे। पीटीवी का 20 से 25 करोड़ का नुकसान हुआ। प्रभात चौधरी की काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग, मुल्क में लोगों की आमदनी न बढ़ने की खबरें मुस्तरद कर दी। बोले, मिस्त्री की आमदनी 3 गुना, प्लम्बर मजदूर की आमदनी 2 गुना बढ़ी, सिर्फ तनख्वाहदार तबके के मसाइल हैं। कहा, ईवीएम पर वो बात करते हैं जिनको अकल नहीं, ये मुमकिन नहीं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक न दें। हुकूमत का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले पर पार्लियामेंट की मुश्तरक कमेटी कायम करने का फैसला, फैसला वजीर आजम और बाबर आवान की मुलाकात में हुआ।
पाकिस्तान खेल सियाहत कारोबार के लिए महफूज है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं अफगान अवाम के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। यूनानी सफीर से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, ताबून, इलाकाई सिक्योरिटी और अफगान सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सिपा सालार बोले हर शोबे में बाहमी ताबून के फरोग की हौसला अफजाई करेंगे। ISPR के मुताबिक यूनानी सफीर ने अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के किरदार और इंखला में ताबून को सराहा। हमारे एक यूनाइटेड फ्रंट चाहिए और बन रहे हैं इंशाल्लाह। अगर हमने प्रेशर रखें न्यूट्रल वेन्यू पे तो हम जाएंगे नहीं, पाकिस्तान का वेन्यू रहेगा। पाकिस्तान टीम को एक मिसाली परफॉर्मेंस देनी है इस वर्ल्ड कप में। ये जो चैलेंज है आप इसी तरह से आपने दुनिया को खामोश करना। वज़ीर आज़म इमरान खान कल कौमी क्रिकेट टीम से मुलाकात करेंगे। चेयरमैन PCB रमीज राजा कहते हैं न्यूट्रल वेन्यू पर नहीं खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया के ना आने की सूरत में प्लान बी बना रहे हैं। क्रिकेट की दुनिया में ब्लॉक्स बने हुए हैं, हमें मुतहद होकर मुकाबला करना होगा। न्यूजीलैंड टीम को क्या खतरात थे बताना जरूरी था। दौरा पाकिस्तान पर आने वाले कीवी कप्तान टॉम लेथम ने सीरीज की मनसूखी को मायूस कुन करार देते हुए कहा हमने पाकिस्तान के साथ तारीखी और खास लम्हा बांटने का मौका गंवा दिया। वज़ीर आज़म के माबनी सूफी बराए तवानाई काबिज़ गौहर मुस्ताफी इमरान खान ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर काबिज़ गौहर की कारकर्दगी से नाखुश थे। हमाद अज़हर ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में तहफ़ुज़ात का इजहार किया था। काबिज़ गौहर पर मकामी रिफाइनरीज को फायदा पहुंचाने का इल्जाम है। दूसरी जानिब हमाद अज़हर का कहना था खुशी है कि काबिज़ गौहर के साथ काम करने का मौका मिला। काबिज़ गौहर मुल्क की खातिर खानदान से एक साल दूर रहे, पावर सेक्टर की बेहतरी के लिए खिदमात फराहम करने पर काबिज़ गौहर के शुक्रगुजार हैं। जब ये बात करें तो पहले अपने गरेबा में झांकें। कहां गई वो 1 करोड़ नौकरियां? से ज्यादा महंगाई का तूफान कभी नहीं आया। इन्होंने खड़े होकर इलेक्शन में कहा पेट फाड़ के सड़क से घसीट के लूटा हुआ पैसा वापस लाऊंगा, किधर गया वो वादा? खुद लूट के टूट के भाग गया इसका भाई। नवाज शरीफ को पनामा नहीं इकामे पर सजा हुई, रिकॉर्ड दुरुस्त करने। शहबाज शरीफ का कौमी असेंबली में खिताब, कहा हुकूमत किस मुंह से हमें ताने दे रही है, पेट्रोल की कीमतें कहां पहुंचा दी गई हैं, लोगों पर जिंदगी तंग कर दी गई, भीख मांगने पर मजबूर हैं, कहां गई वो 1 करोड़ नौकरियां, आज गरीब के घर का चूल्हा ठंडा है, हुकूमत की गवर्नेंस पर आज आसमान भी रो रहा है। वफाकी वजीर श्री मदारी का जवाबी बार, कहां गए शहबाज शरीफ के वो वादे और दावे। शहबाज शरीफ तो कहते थे कि पेट फाड़ कर जरदारी से पैसा वापस लेंगे। अली मोहम्मद खान ने कहा नवाज शरीफ को अदलिया बुला रही है। शरीफ खानदान से करप्शन केसेस में वसूलियां शुरू, अदालती फैसले पर नैब लाहौर के मुतालिका DCs को मुराखले। नवाज शरीफ की काबिल फरोख जायदादों से मुतालिक आगाह किया, लिखा ये जायदादें फिलफौर फरोख करने के लिए हैं। एवनफील्ड अपार्टमेंट केस में भी 8 बिलियन पाउंड बरामदगी के लिए कार्रवाई का आगाज। नवाज शरीफ पर आयद जुर्माने की रकम 1 अरब 85 करोड़ रुपए के लगभग है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये मुतालबा है कि 538 अरब रुपए की जो रिकवरी हुई है उसको पब्लिक किया जाए। नून लीग का नैब के 538 अरब रुपए रिकवरी को पब्लिक करने का मुतालबा। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा नैब न्याजी गठजोड़ खुलकर सामने आ गया, नैब की प्रेस रिलीज सियासी एजेंडा, मनफी प्रोपेगेंडा, बेबुनियाद इल्जाम का तसलसल है। ये नवाज शरीफ के खिलाफ एक झेले की करप्शन का इल्जाम साबित न कर सके। नैब को आटे और चीनी की चोरी क्यों नजर नहीं आती। शाहिद खाकान अब्बासी के तंजिया बार, कहा बैरिस्टर फैसल चौधरी को सीधा चेयरमैन नैब लगा दें, प्रोसिक्यूशन की जरूरत पड़ेगी ना कोई और तकलीफ। शहबाज गिल का बाउंसर, कहा शरीफ दरबार के मसखरे मफरूर आकाओं की करप्शन के दिफा पर मामूर हैं। सिटी स्कैन मशीनें बाजी के अस्पताल की खराब पड़ी हुई है जिसकी वजह से इसको रेफर किया गया जिना अस्पताल।
कराची में नौजवान की मौत के जिम्मेदार दो सरकारी अस्पताल करार। इंक्वायरी रिपोर्ट में जिना और अब्बासी शहीद अस्पताल की इंतजामिया को कसूरवार ठहराया गया। वजीर सेहत सिंह अजरा पिछोहू को तहकीकाती रिपोर्ट मिल गई। लियाकतबाद पुल पर जख्मी होने वाला नौजवान 6 घंटे तक 4 मुख्तलिफ अस्पतालों के चक्कर लगाने के बाद स्ट्रेचर पर ही दम तोड़ गया था। All the neighbors will get together and we will see how they progress and then whether to recognize them or not will be a collective decision. अफगानिस्तान में जामे हुकूमत बनने की तवक्को है। सबको साथ लेकर चलने से अफगानिस्तान में पायदार अमन मुमकिन होगा। वजीर आजम इमरान खान का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू, कहा तवक्को है तालिबान खवातीन को तालीम की इजाजत दे देंगे। अफगान खवातीन बहुत बहादुर हैं, वो अपने हुकूक खुद हासिल करेंगी। तालिबान खवातीन को मरहलावार कौमी इदारे में शामिल करेंगे। हमें अफगान हुकूमत को वक्त देना चाहिए। پاکستان صدر اعظم عمران خان کو خبر کری هغه ذکر کوم په عمومي کې ډېر هیوادونه لګیا دي موږ سره په سیاسي مباحثه کې او هغوی کوشش کوي چې په افغانستان کې د نظام په اړه باندې مشورې راکړي موږ ته پاکستان افغانستان میں امن کا خواہاں ہے وزیر اعظم عمران خان کی امن کی کوششوں کو مداخلت کی نظر سے نہ دیکھا جائے عمران خان کی کوششیں مثبت ہیں افغان نائب وزیر اطلاع ذبیح اللہ مجاہد کی نیوز بریفنگ کہا پاکستان سمیت دیگر ممالک سے رابطے میں ہیں افغانستان میں بیرونی مداخلت نہیں چاہتے عبوری کابینہ میں مختلف مسالک سے تعلق رکھنے والوں کو شامل کیا گیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کسی کو بھی طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کی جلدی نہیں ہے طالبان خود کو عالمی سطح پر تسلیم کروانا چاہتے ہیں تو انہیں حساس ہونا ہوگا مفادات کے تحفظ کے لیے جب ضرورت پڑے گی طاقت کا استعمال کریں گے طاقت کا استعمال آخری آپشن ہوگا پہلا نہیں امریکی صدر جو بائیڈن کا جنرل اسمبلی سے خطاب کہا ہم دنیا میں آزادی اور جمہوریت کے علمبردار ہیں دنیا کو کرونا وبا موسمیاتی تبدیلی اور دہشت گردی جیسے چیلنجز کا سامنا ہے مل کر دہشت گردی کے خطرے کا مقابلہ کرنا ہوگا ہم نے افغانستان میں 20 سال کے تنازع کو ختم کیا موجودہ عشرہ دنیا کے مستقبل کے تعین میں فیصلہ کن ہوگا ہماری سلامتی خوشحالی آزادیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہر موسلادھار بارش سے جلتھل گوجرانوالہ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ اور لیبر روم میں پانی داخل تالاب کا منظر پیش کرنے لگا گندے پانی میں چیزیں تیرنے لگی زیر علاج خواتین اسپتال چھوڑ کر چلی گئیں لاہور کی سڑکیں موسلادھار بارش سے جھیل بن گئیں سیشن کوٹ کا احاطہ پانی میں ڈوب گیا گھٹنوں گھٹنوں پانی سے آمد و رفت معطل گاڑیاں خراب جنہ اسپتال کی چھت بھی ٹپکنے لگی 50 کے قریب فیڈر ٹرپ ہونے سے بیشتر علاقوں میں بجلی غائب 10 کامیر سرکاری اسکول میں جوہر کا پانی داخل گجرات پتوکی تھالیا سرائے عالمگیر اور گردنواہ میں بھی بادل خوب برسے وزیر اعلی پنجاب کی زیر صدارت راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا اجلاس وزیر اعلی عثمان بزدار نے کہا پہلے مرحلے میں پروجیکٹ کے لیے 44,000 ایکڑ اراضی مختص کی ہے 6,000 ایکڑ پر انڈسٹریل زون بھی بنایا جائے گا 3 بیراج بھی تعمیر ہوں گے غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے یہ منصوبہ بے پناہ کشش رکھتا ہے یہ دریا کے کنارے بننے والا دنیا کا منفرد لاسانی منصوبہ ہے گیم چینجر منصوبے سے ترقی کا نیا باب رقم ہوگا اسلام آباد کی احتساب عدالت نے مراد علی شاہ کو نوری آباد پلانٹ کے غیر قانونی ٹھیکوں منی لانڈرنگ ریفرنس میں فرد جرم عائد کرنے کے لیے 7 اکتوبر کو طلب کر لیا عبدالغنی مجید اور خورشید انور سمیت 17 ملزمان بھی طلب نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے حیدرآباد سکھر موٹر وے سیکشن پر کام شروع کر دیا وزیر مواصلات مراد سعید کہتے ہیں سندھ کو پہلا موٹر وے مبارک ہو اس سال مزید 4 موٹر ویز پر کام کا آغاز ہوگا
बिजली एक माह के लिए 2.07 रूपये फी यूनिट महंगी होने का खदशा। सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी की नेप्रा को कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त। पीपी रहनुमा शरी रहमान कहती हैं बिजली फिर महंगी की जा रही है, 3.5 से 25 अरब रुपए लूटे जाएंगे। मैं आवाम की बात कर सकता हूँ, प्लीज लिसन टू मी मिस्टर, प्लीज लिसन टू अस। حلیم عادل شیخ اور قائد اعظم میوزیم کے ذمہ داران میں تلخ کلامی۔ پی ٹی آئی رہنما بولے قائد اعظم ہاؤس میوزیم کو بیچنے کی کوشش ہو رہی ہے، یہ زرداری ہاؤس کی ایکسٹینشن بنانے کی کوشش ہے، آرمی چیف سے انکوائری کا مطالبہ۔ केसेस में कमी, एनसीओसी का लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोधा, गुजरात और बनू से पाबंदी हटाने का फैसला। असद उमर की जेर सदारत इजलास, एनसीओसी का कहना है अवाम बिला ताखिर करीबी वैक्सीनेशन सेंटर से वैक्सीन लगवाएं। कोरोना वायरस से मुतासर मजीद 81 मरीज इंतकाल कर गए, 1897 नए केस रिपोर्ट। دو بوند پاکستان کی خاطر، بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائیں، مستقبل محفوظ بنائیں۔ ملک بھر میں انسداد پولیو مہم جاری، 4 کروڑ سے زائد بچوں کو حفاظتی قطرے پلانے کا ہدف، رضاکار گھر گھر جا کر ویکسینیشن میں مصروف۔ کوئٹہ میں سابق ایم این اے کے بیٹے کا ایئر لائن عملے پر حملہ، ناصر علی کے بیٹے عاصم نے عملے کے 2 ارکان کو مارا پیٹا، سیلز مینیجر اور دیگر عملے کے خلاف مقدمہ بھی درج کرا دیا۔ کراچی میں پولیس حراست میں ملزم کی ہلاکت، ورثا کا عباسی شہید ہسپتال کے باہر لاش رکھ کر احتجاج، پولیس کو بھگا دیا، ٹریفک معطل۔ حیدری پولیس نے مبینہ مقابلے میں ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کیا تھا، ملزم اورنگی ٹاؤن تفتیشی پولیس کی حراست میں دم توڑ گیا تھا۔ کراچی میں خاتون سمیت 4 ملزمان نے جیولری شاپ لوٹ لی، ملزم مبینہ طور پر رشتے میں ڈیفینس کے جیولری شاپ آئے، اسلحے کے زور پر 50 تولے سونا اور نقدی سمیٹ کر لے گئے۔ پاکستان کے بابر مسیح نے ورلڈ 6 ریڈ بال سنوکر چیمپئن شپ کے فائنل میں جگہ بنا لی۔ فائنل میں بابر مسیح کا مقابلہ بھارت کے پنکج اڈوانی سے ہوگا۔ سیمی فائنل میں بابر نے جرمن کوئسٹ کو دلچسپ مقابلے کے بعد 6-4 سے شکست دی۔ اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2106 درہم ہو گئی، 1 گرام سونا 210 درہم، 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہے۔